जिस वेब सीरीज ने लोगों को नई वाली खिड़की का परिचय आज से ठीक 3 साल पहले करवा दिया था, अब उसी ऐतिहासिक वेब सीरीज का दूसरा पार्ट हर मोहल्ले में गला फाड़ प्रतियोगिता कर रहा है। जिधर भी देखो बस एक ही सवाल, तूने असुर का नया वाला सीजन देखा क्या? अगर वेब सीरीज या फिल्म के दीवाने हो लेकिन अभी तक असुर 2 वाला सीजन नहीं देखा तो पहली फुर्सत में चटाई वटाई बिछौना उछौना बिछाओ और असुर का सीजन 2 देख डालो। अगर पहला सीजन नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि एकदम इंटरलिंक है। कहाँ से देखना है इसको? जियो सिनेमा से। जियो सिनेमा पर पहले क्या हुआ कि उन्होंने 1 दिन 2 एपिसोड डाला और फिर कहा कि हम अगले एक एक दिन करके एक एक पार्ट को रिलीज करते रहेंगे, ऐसा वो 7 जून तक करते रहेंगे। लेकिन टेलीग्राम और टोरेंट वाली हैकर की दुनिया ने सीरीज को लीक कर दिया, यानी कि उसके बाद जियो सिनेमा को ये लगा कि हमने सारा एपिसोड एक साथ नहीं डाला तो हमारे ऊपर कोई देखने आएगा नहीं। अच्छा ठीक है समझिए, क्योंकि ये वेब सीरीज रुक रुक के देखने वाली है नहीं, तो जियो सिनेमा ने लीक के बाकी बचे सारे पार्ट को एक साथ रिलीज कर दिया। अब वेब सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। वेब सीरीज एक ही लाइन एक ही श्लोक पर टिकी हुई है, वो है अंतः अस्ति प्रारंभ, मतलब अंत ही प्रारंभ है। इसी श्लोक के आसपास कहानी घूमती है। शो में जितने भी कैरेक्टर हैं, अगर एक भी कैरेक्टर को हटा दिया जाए तो वेब सीरीज हल्की लगने लगती है। कहानी और कैरेक्टर को इतने तगड़े तरीके से गढ़ा गया है और उसके अंदर माइथोलॉजी और साइंस का जो तड़का लगाकर हमारे सामने परोसा गया है, उसके देखने के बाद मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आती भैया। वेब सीरीज में अरशद वारसी ने लीड कैरेक्टर को निभाया है, लेकिन उनसे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर वेब सीरीज में दिखाया गया है, वो है शुभ का। उसके तो पूरे मोहल्ले वाले, वेब सीरीज की जनता, अपनी बाजा ढोलक वाली जनता सब फैन हो चुकी है। वेब सीरीज जिस मुद्दे पर बात करती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाले समय में हमारे सामने समस्या लाकर क्या क्या खड़ी कर सकती है। इस मुद्दे पर बनाया गया है असुर 2, यानी कि असुर 2 में शुभ जितने भी टाइम फ्रेम पर अपने करेक्टर को निभाता है, उसके बाद लगता है कि हर कोई शुभ शुभ है। वेब सीरीज 7 से 8 घंटे की है, सभी पार्ट को एक साथ देखना मजा आएगा। इस वेब सीरीज की कुछ कमियों को छोड़ते चले तो ओवरऑल वेब सीरीज एकदम धोती फाड़ बनी है। सीरीज के लिखावट की बात करें तो मेरे पास एक ही शब्द, ऐसा कहानी कैसे लिख लेते हो भाई। तो खबरों के लिहाज से आज बस इतना ही, हम दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।